आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। अंडरग्रेजुएट लेवल का कोर सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। इस टॉपिक को ये लीनियर एल्जेब्रा के नाम से है। वैसे तो देखा जाए तो ये एल्जेब्रा का ही पार्ट है, बट इसके कनेक्शंस फिजिकल साइंस से और एप्लीकेशंस भी डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस में है। ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। जैसे हमने ग्रुप पढ़ा, जैसे हमने रिंग पढ़ी, हमने फील्ड के बारे में जाना। फील्ड तो रिंग से ही बना है। उसी तरह का एक स्ट्रक्चर ये भी है। इस स्ट्रक्चर को मैं ये कह सकता हूँ कि इसको समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी यदि आप में से किसी ने भी फिजिक्स पढ़ा हो या मैकेनिक्स पढ़ा हो या हल्की सी थोड़ी साइंस पढ़ी हो जिसमें वेक्टर का यूज किया गया है। ये टॉपिक वहीं से आया है। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊं क्यों ये वहां से आया है। और उसी को हमने एब्स्ट्रैक्ट वे में, उसी को हमने जनरलाइज किया है। तो प्रोटोटाइप मॉडल हमारा यहीं से आया है। तो किसी प्लेन में वैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। कोई प्लेन है, उसमें आप वैक्टर्स लेते हैं। सपोज आपने प्लेन में ये वैक्टर लिया और ये वेक्टर लिया आपने। ये आप अच्छे से जानते हैं, या वेक्टर फिजिक्स या साइंस में पढ़ा होगा आपने, तो आप जानते हैं ये को इनिशियल पॉइंट कहते हैं, बी को टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ये वेक्टर की डायरेक्शन भी दिख रही है। ये जो लेंथ है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी ना आपने, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, और एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं होता। और ये दूसरा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट सी और टर्मिनल पॉइंट डी है। ये दोनों प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर हैं। आप इनका एडिशन कर सकते हैं यदि आप पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करें। मान लीजिए मैं इस वेक्टर का नाम रखूं, इस वेक्टर का नाम है मेरा ए बी और इस वेक्टर का नाम है मेरा सी डी। सो ए बी प्लस सी डी भी एक नया वेक्टर बनेगा। और क्या वेक्टर बनेगा आप जानते हैं यदि आपने पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में, फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, या अपनी स्कूल में। क्या करते हैं, ए बी प्लस सी डी का मतलब होता है ए बी में सी डी को ऐड करना। मींस ए और बी है, बी के इस वेक्टर ए बी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर सी डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट प्लेस करते हैं और डायरेक्शन को प्रिजर्व रखते हैं। मतलब इसी के पैरेलल एक वेक्टर बनाया मैंने। ये देखिए, तो मेरा ये सी यहां आ गया, प्लेस हो गया बी के ऊपर, और ये मेरा डी है। और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये आपका नया वेक्टर बन गया जिसको आपने कहा ए डी। पर जो भी है, मतलब ये एडिशन पॉसिबल है। और इस एडिशन में आप दूसरी बात भी देखिए ज्यादा अच्छी तरह से। क्या बात नोट करिए आपने, इस एडिशन में दूसरी बात देखिए क्या, यदि आप ये तो मैंने ए बी प्लस सी डी कहा है तो ए डी आया। इसी तरह से आप सी डी प्लस ए बी भी कर सकते हैं। सी डी प्लस ए बी करें तो सी डी, और क्या करिए, यस सी डी किया, और ये ए बी को ए बी का इनिशियल पॉइंट डी के ऊपर रख दिया और ए बी के पैरेलली वेक्टर ड्रॉ किया उसी लेंथ का। ये देखिए, और जरा ध्यान से यदि आप देखेंगे तो देखिए दोनों वेक्टर सेम है। ये वेक्टर था, ये वेक्टर आपने लिखा है सी डी प्लस ए बी, और ये वेक्टर आपने लिखा है ए बी प्लस सी डी। दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर है। नाम भले चेंज हो गए हो पर वेक्टर दोनों सेम है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब वेक्टर का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव है। इसी प्रकार से आप तीन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और देखा है आपने इस स्कूल में, आपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, ये तीन वेक्टर्स को मैं ऐड करूं तो वो एसोसिएशन का लॉ भी, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, तो ये होता है ए
प्लस बी प्लस सी। मैंने ये वेक्टर को इन सेंस में लिखा, मैंने सिंगल वेक्टर इसी तरह से लिख दिए हैं केवल समझाने के लिए कि एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। ये मैं आपको वेक्टर के बारे में बता रहा हूं जो प्लेन में या स्पेस में वेक्टर जो जानते हैं आप फिजिक्स से या साइंस से जो आपने सीखा है वेक्टर के बारे में मैकेनिक्स में। इसके बाद में आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर ही मिलेगा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा प्लेन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, और साथ में किसी भी जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, ए में जब मैं जीरो वेक्टर को ऐड करूंगा तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ए की डायरेक्शन है, तो ये वेल डिफाइंड वेक्टर फिर से मिल जाता है ए। तो जीरो प्लस ए करें तो जीरो के साथ में ये है कि वो इस वेक्टर को देखकर अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करता है। याद करो ये जीरो कैसा लग रहा है आपको, आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी, ये जीरो कुछ नहीं बल्कि आइडेंटिटी का काम कर रहा है यहां पर, इसका मतलब आइडेंटिटी भी है। इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स की बात करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कैसे बात करेंगे इन्वर्स का, देखो ध्यान से क्या हुआ, ये वेक्टर ए बी था, और ये वेक्टर जस्ट इसका उल्टा है। इस वेक्टर का नाम क्या रख लिया हम फिजिकली इसको, मिसिंग पॉइंट, इस वेक्टर को हम कहेंगे माइनस ए बी। माइनस ए बी वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन पहले वेक्टर की जस्ट अपोजिट हो पर मैग्नीट्यूड सेम हो। अब यदि इन दोनों वेक्टर को मैं जोड़ू इसी ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाकर तो ए बी प्लस माइनस ए बी क्या होगा बताइए, यस ए बी प्लस माइनस ए बी क्या होगा, इस वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, इस वेक्टर में इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है। इसका मतलब आपको जो वेक्टर मिला वो कहां मिला, इसके टर्मिनल पॉइंट पे इसका इनिशियल पॉइंट रखिए, इसका इनिशियल पॉइंट रखिए और उल्टा ड्रॉ कर दीजिए। आप पहले यहां से यहां गए फिर यहां से यहां आए, एक्चुअली आपका जो रिजल्टेंट है वो आया क्या, जीरो वेक्टर। और आपको पता है ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी होता है, तो ये ए बी वेक्टर का इनवर्स वेक्टर था, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो याद करिए हमने ग्रुप में क्या पढ़ा है, यदि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन एडिशन यहां पर ऑपरेशन है, किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी हो और इनवर्स एग्जिस्ट करे तो उसे ग्रुप कहते हैं, और साथ में यदि कम्यूटेटिव हो तो उसे अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी फिजिक्स से या मैकेनिक्स से जानते थे पहले से, ये मेरा प्रोटोटाइप मॉडल है। इसका मतलब आपने जो ग्रुप में पढ़ा है वेक्टर्स प्लेन में जो वेक्टर्स का कलेक्शन है, यदि हम एडिशन की ऑपरेशन लें तो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये कलेक्शन एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हमने वेक्टर की बात की, साथ में कुछ क्वांटिटी स्केलर्स होती थी, याद करिए फिजिक्स और के मैकेनिज्म में आपने इनको स्केलर कहा था, जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। हमारे ये स्केलर जो होंगे, हमारे केस में फील्ड होंगे, मैं बाद में बताऊंगा इस बारे में। हमारी जो हमने जो रिंग थ्योरी में जो फील्ड पढ़ा है, हमने दो तरह के फील्ड पढ़े, हमने रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सबसे सिंपल फील्ड पढ़े हमने। फील्ड मींस स्पेशल टाइप की रिंग्स, ये स्केलर जो है कलेक्शन ऑफ स्केलर्स इसी फील्ड से आते हैं। तो या तो हम रियल फील्ड लेंगे या सेट ऑफ रियल नंबर्स से बना हुआ फील्ड लेंगे या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से बना हुआ फील्ड लेंगे। तो हम अपने इस पूरे कोर्स में इन दो तरह के ही फील्ड को लेंगे जिनको हम स्केलर्स कहेंगे, जिनको आपने फिजिक्स में या मैकेनिक्स में स्केलर कहा। अब ध्यान रखिए इसके साथ में क्या कमाल होता है, स्केलर क्या करता है ये भी देखिए। आपने कोई स्केलर अल्फा उठाया, उसको किसी वेक्टर से
मल्टीप्लाई किया, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर आपको फिर से वेक्टर ही मिलेगा, पर डिपेंड करता है उस वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड करेगी। आपको नया वेक्टर मिलेगा जिसका नाम हम ऐसे रखेंगे, ये अल्फा से ए तक नहीं गया, ये अल्फा ए मतलब वेक्टर को मैंने अल्फा से क्या कर दिया। यदि आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नया वेक्टर जो होगा, नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अल्फा टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वेक्टर के, पर नए वेक्टर की डायरेक्शन यदि अल्फा पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन होगी, अल्फा नेगेटिव है तो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, जो फिजिक्स में जैसा कहते थे रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। यदि अल्फा जीरो है तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। तो हर चीज पता है आपको, डायरेक्शन कब चेंज होगी जब अल्फा नेगेटिव होगा, जीरो वेक्टर कब मिलेगा जब अल्फा जीरो होगा। तो ये नया, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, माने स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद में वेक्टर ही मिलेगा। हाँ, उस वेक्टर की डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में हो जरूरी नहीं, या तो उसी की डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट होगा। उसका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, डिपेंड करता है अल्फा क्या है। यदि अल्फा वन है तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा। एक बात मैं और याद दिला दूं, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को आपने फिजिक्स में या कहीं पर भी मॉड लग के पढ़ा हुआ है, मॉडुलस लगाते हैं इसको, आप मैग्नीट्यूड कहते हैं वेक्टर का जो एक नंबर होता है। पर इस स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ में क्या क्या प्रॉपर्टी आपने नोट करी थी उसको देखिए जरा सा। मैं आपसे ये पूछूं कि अल्फा बीटा दो स्केलर को यदि वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो आप कैसे देखना पसंद करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? यस, कोई फर्क नहीं। पहले मैंने इस ऑपरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब मैंने इस वेक्टर को बीटा से मल्टीप्लाई किया, एक नया वेक्टर बीटा ए मिला, और उस वेक्टर को फिर स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है, पहले मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, नया वेक्टर अल्फा ए मिला, और फिर मैंने उसको बीटा से, मतलब अल्फा और बीटा में किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए रिजल्ट सेम रहेगा। पहली खासियत। दूसरी खासियत, ये तो स्केलर है, स्केलर की ऑपरेशन है, इसमें एडिशन इस अल्फा प्लस बीटा, माने मैंने स्केलर की ऑपरेशन ली अल्फा प्लस बीटा, इज स्केलर है और ये वेक्टर ए है। तो स्केलर के एडिशन पर वेक्टर किस तरह से, क्योंकि स्केलर्स नंबर है या तो रियल नंबर होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर, इन पर ये वेक्टर कैसे बिहेव करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है? बिल्कुल सिंपल है, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपने सोचा बिल्कुल वही है, और जैसा आपने किया है इसको, सिंपल सा बिहेवियर। इसके बाद दो वेक्टर का सम लूं मैं और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो स्केलर भी वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अल्फा ए प्लस अल्फा बी, बिल्कुल सिंपल सा, कहीं कोई चेंजेस नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पर वेक्टर स्केलर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहां पर स्केलर वेक्टर की एडिशन, ये दोनों फर्क हैं, ये दोनों ऑपरेशन फर्क हैं। ये ऑपरेशन है दो स्केलर्स के एडिशन की, और ये ऑपरेशन है दो स्केलर के, दो वेक्टर के एडिशन की। और याद रखिए, मैथमेटिक्स में हर चीज कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होती है। ये दोनों साइन मैंने सेम यूज किए हैं, पर इन दोनों साइन का पर्पस डिफरेंट है। और याद रखिए, इस मैच्योरिटी को डेवलप करिए, अदरवाइज आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। तो मैं बार बार नए नए नोटेशन यूज करते रहूंगा तो नोटेशन 1000 हो जाएंगे एक लेक्चर के अंदर, और उनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो अपने को याद रखिए, जब मैं यहां प्लस कर रहा हूं तो ये वेक्टर एडिशन वाला प्लस है, यहां प्लस कर रहा हूं तो ये स्केलर नंबर का प्लस है। दोनों में फर्क है, पर नोटेशन मैंने एक ही यूज किया है। तो अब देखिए, फिर से वापस आइए, वेक्टर वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है, वेरी गुड। स्केलर की ऑपरेशन इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, और एक स्केलर ऐसा होता है जिसको आपने आइडेंटिटी कहा था। ये हर फील्ड में एक स्केलर ऐसा होता है, इसको वन कहते हैं। वन इज एन स्केलर
called multiplicative. Identity of field are और फील्ड सी, हम इन्हीं दो फील्ड की बात कर रहे हैं प्लीज, इसलिए मैं दो ही फील्ड पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, फील्ड आर और फील्ड सी, देन वन इनटू ए, किसी स्केलर जो वन है, वन का मतलब नंबर वन से मतलब, यहां तो खैर वन का मतलब आर है तो रियल नंबर, तो रियल नंबर वन, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर वन, तो ये रियल नंबर ही है यहां पर, तो हम यदि आइडेंटिटी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड भी वही रहता है और उसका डायरेक्शन भी वही होता है, आपको यही वेक्टर मिलेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में आपके वेक्टर का सेट एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में यह प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वेक्टर का सेट दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, कौन सी दो ऑपरेशन है, एक तो है वेक्टर्स का एडिशन और एक है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, नाम दिया है मैंने इसका, इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के एल्जेब्रिक ढांचा बनाता है। इस ढांचे को आप देख सकते हैं, वेक्टर ऊपर तैर रहे हैं और नीचे धरातल पे क्या स्केलर बिखरे हुए हैं, तो ये ढांचा बनाता है, इसी ढांचे को आप वेक्टर स्पेस कहते हो। इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट वेक्टर होते हैं और ये वेक्टर स्पेस जिसके ऊपर बना हुआ है उसे हम स्केलर्स कहते हैं। इन दोनों के बीच का गेम जिससे खेला जाता है, वेक्टर के बीच का गेम खेला जाता है इस एडिशन से, और वेक्टर और स्केलर के बीच का गेम खेला जाता है इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। ये रूल्स हैं जो फिक्स हैं, ये आप फिजिक्स में और मैकेनिक्स में आप पहले से जानते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसी प्रोटोटाइप को उठाया हमने मैथमेटिशियन ने, इसी प्रोटोटाइप को उठाया और एक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन दे दी, जनरल डेफिनेशन। कोई भी कलेक्शन एलिमेंट का, इस ऑपरेशन का नाम वहां भी हम एडिशन कहेंगे, एडिशन माने एक ऑपरेशन, वो ऑपरेशन जरूरी नहीं कि एडिशन केवल एडिशन ही हो, वेक्टर एडिशन जैसी हो, हमने उसका नाम एडिशन रखा है, वो कैसी भी ऑपरेशन हो सकती है, एक ऑपरेशन होगी जिसके रिस्पेक्ट में वो कलेक्शन अबेलियन ग्रुप बनाए और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इन प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे, आपका नया स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो हाँ, तो ये हमने प्रोटोटाइप, ये है मेरा प्रोटोटाइप था, प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप कहां से आया, ये प्रोटोटाइप फिजिक्स या मैकेनिक्स से आया। इसी को देखते हुए मैंने अब एक जनरल डेफिनेशन दी, और याद रखिए यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, आप कहीं से कोई चीज उठाते हैं, उससे एक डेफिनेशन बनाते हैं और फिर नई थ्योरी की रचना करते हैं, और उस नई थ्योरी को आप कहेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो आपको आश्चर्य होगा हम कहां से एक प्रोटोटाइप से कहां पहुंच गए, और ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसका ज्योमेट्री में भी यूज है, इसका फिजिकल साइंस में यूज है, और इसका मैथमेटिक्स इटसेल्फ में बहुत ज्यादा यूज है। तो डेफिनेशन मैं दे रहा हूं, और याद रखिए कभी भी जब भी आपको कोई व्यक्ति या कोई कभी आपको कोई डेफिनेशन दी जाती है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए, सोचिए, डेफिनेशन हवा से नहीं बनती है, कोई ना कोई आपके पास प्रोटोटाइप या कोई ना कोई हिंट होता है जिससे आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहां तो मेरे पास बहुत बड़ा मॉडल था जिसकी हेल्प से मैंने ये डेफिनेशन बनाई। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस की। मैं एक चीज बता दूं, कई बार और कई लोग इसको लीनियर स्पेस भी कहते हैं, इसी से नाम पड़ा है लीनियर एलजेब्रा। वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस जनरली ये नाम कॉमन नाम है वेक्टर स्पेस। लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अब याद रखिए नॉन एम्प्टी सेट है किसी ऑब्जेक्ट का है, ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं,
क्या है मुझे पता नहीं, ये मैट्रिसेस हो सकती हैं, ये फंक्शंस हो सकते हैं, ये फिजिकल साइंस के वेक्टर्स हो सकते हैं, ये कुछ भी है, ऑब्जेक्ट का सेट है, नॉन एम्प्टी, वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी ए फील्ड। तो एफ जनरली हमारे इस कोर्स में, याद रखिएगा हमारे इस कोर्स में, ये एफ या तो आर होगा और या तो सी कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड होगा। एफ बी ए फील्ड हुज एलिमेंट्स आर, दिस वी कैन राइट अवर इट, लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी ए फील्ड, वी डिफाइंड टू operations on V, we define two operations, we define an operation on V called addition. Sign, I will use this one. We define an operation on V called addition as, how we define two operations? Addition is a operation which goes from V cross V to V. So it is not actually addition, it is a binary operation. So actually हम एक बात और करते हैं बार बार, जब आपसे हम बात करते हैं हम binary operation पहले ही कह चुके होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी पहले ही सेटिस्फाई हो गई, पर जनरली बुक में फिर से क्लोजर को लिखते हैं, तो ये एम्बिग्युटी है, पर इसकी ज्यादा चिंता मत किया करिए, हम दो दो बार उसको मेंशन कर देते हैं। ये ऑपरेशन मतलब क्या है, ये फंक्शन है, ये v क्रॉस v से v में गया, कैसे, एज ये ऑपरेशन ऐसे लगा है, a प्लस हम v के एलिमेंट को लिखेंगे u स्मॉल लेटर से, u प्लस v, u v इस पे लगा, इस पेयर पे लगा और आपको ये रिजल्ट मिला u प्लस v। अब मैं यहां पर u v w से वेक्टर दिखाऊंगा, अल्फा बीटा गामा से स्केलर दिखाऊंगा, आपकी बुक में इनको बोल्ड लेटर में लिखा जाता है वेक्टर को, और स्केलर को नॉन बोल्ड लेटर में लिखते हैं, कई कई बुक में इस u और v के ऊपर बार लगा देते हैं, तो बेटर है या तो मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो कंफ्यूजन दूर जाएगा, मुझे बोर्ड की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये लीजिए मैंने ये लगा दिया, तो ये जब मैं बार लगा रहा हूं इसका मतलब वेक्टर की बात कर रहा हूं, नॉन बार के एलिमेंट है इसका मतलब स्केलर की बात कर रहा हूं। तो ये ऑपरेशन डिफाइन की मैंने, बाइनरी ऑपरेशन, दो एलिमेंट को कंबाइन किया, फिर से देखिए वी वी के दो एलिमेंट थे, इस पर ये ऑपरेशन लगाई इस तरह से, तो आपको ये एलिमेंट भी पूरा का पूरा वी में ही मिला, इसको आप वेक्टर एडिशन, इसको एडिशन कहते हैं। एंड वी डिफाइन अनदर ऑपरेशन कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एस कैसे करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मैं यहां डॉट लिख रहा हूं, मैं हम डॉट लगाएंगे नहीं, देखिए हमने डॉट लगाया नहीं था, पर मैं अभी थोड़ी टाइम के लिए डॉट लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम डॉट जनरली यूज नहीं करेंगे। डॉट एक ऑपरेशन है, कैसे लग रही है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, एफ क्रॉस वी से वी में जा रही है, मतलब डॉट कैसे लगा, एक एलिमेंट एफ का उठाया अल्फा, एक एलिमेंट वेक्टर उठाया V का, और जो नया रिजल्ट मिला वो क्या मिला, अल्फा, मैंने ये लिया, मैंने डॉट लगाया नहीं, अल्फा यू का, ये दो ऑपरेशन है, इसको मैं इसके लिए बढ़ देगा, ये फिर से वेक्टर मिल गया, फिर से ये एलिमेंट किसका मिल गया, V का। ध्यान से देखिए, मैंने एक नॉन एंट्री सेट लिया, मैंने फील्ड लिया, फील्ड को हम बार बार आर लेंगे या सी लेंगे, मैंने वेक्टर्स के ऊपर वी के ऊपर एक डेफिनेशन, एक एडिशन डिफाइन किया ऐसे,
बाइनरी ऑपरेशन और वेक्टर वी के ऊपर और एफ की हेल्प से मैंने एक नई ऑपरेशन डिफाइन की है ऐसे। तो जो मैं ऑपरेशन डिफाइन कर, ये नोटेशन मैंने इसलिए फॉलो किया है कि आपको नजर आए मेरी ऑपरेशन कुछ नहीं बल्कि फंक्शन है। कार्टेशियन, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं दो सेट का, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का। यहां पर ये दोनों सेट वी है, यहां पर एक सेट एफ और एक सेट वी है। आंसर दोनों केस में वी में आया है, मेरी दो ऑपरेशन डिफाइन हो गई। अब मैं इस स्ट्रक्चर को जिसमें एक सेट था, दो ऑपरेशन थी और एक फील्ड था, इस स्ट्रक्चर को क्या कहूंगा? ये देखिए, देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर ओवर द फील्ड एफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन इफ फर्स्ट। अब मैं इस सेट को क्या कहूंगा? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन इफ v प्लस सेट v इस प्लस के साथ में इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। क्लियर? वो देखिए वहां से उठाया, सेकेंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ में क्या क्या होना चाहिए ये लिखा है मैंने, क्या क्या होना चाहिए इसके मल्टीप्लीकेशन के साथ में? यस, अल्फा बीटा यू इक्वल टू होना चाहिए अल्फा बीटा यू इक्वल टू होना चाहिए बीटा अल्फा यू फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा फ्रॉम एफ एंड यू फ्रॉम वी। वही जो ऊपर लिखा है, कोई नई बात नहीं लिख रहा मैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट अल्फा प्लस बीटा यू होना चाहिए अल्फा यू प्लस बीटा यू। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? अल्फा यू प्लस वी होना चाहिए अल्फा यू प्लस अल्फा वी। एंड फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट, वन इंटू यू होना चाहिए यू। खत्म, बिल्कुल कॉपी कर दीजिए। मैंने देखिए जरा से उठा के, फिजिक्स और मैकेनिक्स में जो आपने वेक्टर पढ़े थे और जो सीखा था उसी को मैंने कॉपी कर दिया अलजेब्रा में, मेरी डेफिनेशन तैयार हो गई। अब ये डेफिनेशन, यदि ये सब वेक्टर स्पेस बन गया, नया स्ट्रक्चर बन गया, इस वेक्टर स्पेस को हम लिखते हैं वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर। यदि f रियल फील्ड है तो इसको रियल वेक्टर स्पेस कहते हैं, यदि f कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो इसको कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहते हैं। सिंपल सी बात, कोई नई बात और कोई अनोखी चीज नहीं की मैंने, आपके सामने इस चीज सामने लिखी हुई है। सो मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाऊं हम क्या कर सकते हैं। हम एक सेट, तो मैं पहले आपको इस वेक्टर स्पेस पे पहले कुछ चीजें मैं नोट लिख दूं पहले, जिससे आपको बाद में डाउट ना रहे। फर्स्ट नोट का फर्स्ट पार्ट है, एलिमेंट्स ऑफ सेट वी आर कॉल्ड, वही जो फिजिक्स में कहते थे वेक्टर्स। सेकेंड, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ आर कॉल्ड स्केलर्स।
यार आज कैसा लग रहा है आपको? हम सारी चीजें कॉपी, हमने ये चीज ऐसी है जो मैथमेटिक्स ने फिजिक्स से बोरो की देखा जाए तो, और हम इसमें इतने ज्यादा कमाल कर देंगे। यही खासियत है मैथमेटिशियन की कि आप कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट उठाता है उससे एक थ्योरी डेवलप कर देता है, और नाइस थ्योरी। तो ये दो नोट याद रखिएगा, वी के एलिमेंट को हम वेक्टर्स कहेंगे और एलिमेंट्स फील्ड के एलिमेंट्स को हम स्केलर्स कहेंगे। एक एग्जांपल देखिए जरा सा, आपको लग रहा होगा, आप पहले बताइए आप क्या लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि वेक्टर स्पेस के एग्जांपल केवल वही फिजिक्स वाले वेक्टर ही हो सकते हैं। मैं यहां पर इस बात को खत्म करना चाहता हूं। किस सेंस में खत्म करना चाहता हूं बता रहा हूं मैं आपको। अब थोड़ा सा मैं आपको आपका होराइजन एक्सपेंड करना चाहता हूं। हम जब भी मैं आपसे वेक्टर स्पेस कहूंगा, आपके इसमें जल्दी से बिजली कौनती है वेक्टर, तो आपको एक एरो दिखाई देता है। अब एरो दिखाई देता तो आपको प्लेन में स्पेस में कहीं एरो दिखाई देता है, और हमारा कॉन्सेप्ट ना, फिर हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है बार बार ऐसा ही, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट चीज को सीखने में हमें बहुत दिक्कत जाती है। ग्रुप थ्योरी का यही ब्यूटी है, या लीनियर अलजेब्रा की यही ब्यूटी है कि हमने इन जो कॉन्क्रीट चीजें थी उससे एब्स्ट्रैक्ट नेचर के ऑब्जेक्ट्स बनाए। आपको कैसे पता कि आपके इस यूनिवर्स में वेक्टर ऐसा है? हर यूनिवर्स में वेक्टर वैसा ही रहेगा जैसा आप देख रहे हैं आंखों से। फिजिक्स वैसे भी कहता है कि आंखों से देखने की रियलिटी आप आंखों से नहीं देखते हैं, और हो सकता है वो रियल ना हो, डिसीविंग भी हो सकती है रियलिटी, और मैथमेटिक्स इसी बात को जस्टिफाई करती है। तो मैं वेक्टर कैसे बनाऊं देखिए ध्यान से, आपने अच्छे से जानते हैं, आपने रिंग में और ग्रुप में ये एग्जांपल देख चुके हैं आप, तो मेरे लिए बहुत आसान है बताना आपके लिए कैसा। तो याद करिए मैंने ये एग्जांपल क्यों चूज किया है, ये बताने के लिए चूज किया है कि हर वेक्टर वेक्टर की तरह नहीं दिखेगा एरो में। तो मैंने ये किया कंसीडर द सेट वी कलेक्शन ऑफ रियल मैट्रिसेस, जहां ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, 2x2 की मैट्रिसेस की। मतलब ये सेट क्या है, आपकी लैंग्वेज में जो हमने लैंग्वेज सीखी है उस लैंग्वेज में ये सेट ये है 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मेरा सेट V है। एडिशन क्या लिया भाई, ऑपरेशन क्या लिया एडिशन की, मैट्रिक्स एडिशन। स्केलर क्या लिया दिख रहे हैं, फील्ड क्या लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या लिया भाई, कैसे डिफाइन किया, अल्फा। आपको पता है किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है, ये फिर से मैट्रिक्स होती है, कौन सी, 2x2 की मैट्रिक्स है फिर से, देख लीजिए मैट्रिक्स एडिशन में दो स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, दो स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड करेंगे फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। माने मेरी दोनों ऑपरेशन डिफाइन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। और जरा ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर स्पेस होगा, वी आर इस प्लस और डॉट के साथ इज ए वेक्टर स्पेस। हाँ, किसको दिक्कत है भाई इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता, सब बातें पता है आपको। 2x2 की ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर दो मैट्रिक्स उठाइए, उनको ऐड करिए, फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी जो 2x2 ऑर्डर की, मतलब क्लोजर है। मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, आपने 11th क्लास में जब मैट्रिक्स पढ़ी थी आसानी से पढ़ लिया था, एडिशन होता है, मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। एक मैट्रिक्स मिलेगी 0 0 0 0, जिसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है,
एडिटिव इनवर्स होता है, हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है, हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। क्यों ये इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स क्यों है, इस मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स में जोड़ो फिर से जीरो 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 आ जाएगा। इसका मतलब तो पता चल गया आपको, वी प्लस के साथ में अबेलियन ग्रुप बनाता है। अभी मैंने डेफिनेशन दी, उसका पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट भी सिंपल है। कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है दूसरा पार्ट? अंदर भी रियल नंबर्स हैं, तो मैं उसमें से केवल एक करके आपको दिखा रहा हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। ये देखिए क्या करके दिखा रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा ए बी सी डी, ये मुझे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये 11th क्लास में आप आराम से ये कर चुके हैं। जाके अपने बुक को उठाइए मैट्रिक्स के, ये सारी एक्सरसाइज आपने की है। वहां आपको, वहां आपसे कहा नहीं गया कि हम वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, और कहने की जरूरत भी नहीं थी। तो आश्चर्य की बात है, मैथमेटिक्स में कई बातें जब बीएससी में आप पढ़ते हैं उसका प्रोटोटाइप ऑलरेडी आप कर चुके होते हैं अपने स्कूल में, पर वहां वो नाम नहीं बताया जाता आपसे। तो ये क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? और ये क्या है भाई, ये क्या है? ये तो आप बच्चे बच्चे से पूछ सकते हैं आराम से। सी बीटा डी, ये क्या है, ये क्या है, लीजिए ये तो आप चाहते थे प्रूफ करना। आप बताइए मैंने आपसे क्या बोला था? अब मैंने तो आपसे ये बोला था, आपको तो वेक्टर कहते ही किसकी याद आती है, एक इनिशियल पॉइंट से एक एरो जा रहा है। अब तो मेरे वेक्टर क्या हैं, ये जो वेक्टर स्पेस बना है इसके वेक्टर कौन हैं, 2x2 × 2 की मैट्रिसेस हैं, इसके स्केलर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और ये वेक्टर स्पेस है। तो इस एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल को बताना मैंने इसलिए उचित समझा कि आपको ये आभास हो जाए कि वेक्टर जरूरी नहीं कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट वेक्टर की तरह ही दिखे, जिसको आपको, जिस वेक्टर को आप देखते सुनते हैं। वेक्टर स्पेस का मतलब होता है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कोई भी सेट किसी भी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा, और उसके एलिमेंट को हम वेक्टर कहेंगे। अब हम बात करते हैं, तो चलते इस लास्ट में मैं बात करता हूं जिसको मुझे आगे बढ़ाना है। आगे चलकर हमने ग्रुप के बाद में, हमने ग्रुप के साथ में याद करिए हमने सब ग्रुप भी पढ़ा था, ग्रुप और सब ग्रुप, सेम चीज यहां भी हुई। क्या मतलब है सब स्पेस से, किसी वेक्टर स्पेस के सब स्पेस से क्या मतलब, वही डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। क्या मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इफ VF is a vector space, याद रखिए मैंने यहां पर ऑपरेशन नहीं लिखी है, हमें पता है इसमें एक एडिशन की ऑपरेशन होगी और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, चिंता मत करिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पता है, अंडरस्टूड। If VF is a vector space and U is a non empty subset of V, then बिल्कुल डेफिनेशन कॉपी देखिए, डेफिनेशन सब रिंग सब फील्ड सब ग्रुप सबकी डेफिनेशन को एक ही तरह से लिखा जाता है। VF इज ए वेक्टर स्पेस एंड U इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, देन U इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V if U itself, वही डेफिनेशन याद करिए, ग्रुप की डेफिनेशन याद करिए, सब रिंग की सब ग्रुप की डेफिनेशन याद करिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखा मैंने। If U itself is a vector space under the
ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड फॉर वेक्टर स्पेस। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है दैट इज वही एडिशन, वही वाला, दैट इज यू एफ प्लस और डॉट। ये प्लस कौन सा एडिशन है? वही वेक्टर का एडिशन जो वी के लिए डिफाइन किया है। ये डॉट कौन सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है? वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो एफ ने वी के साथ किया। अब वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ का वी के साथ नहीं, यू के साथ हो जाएगा नेचुरली। अब सारे एलिमेंट अब यू से रहेंगे। इज ए वेक्टर स्पेस। और यही सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बार बार रिमाइंड कराना चाहता हूं। आप किसी भी टॉपिक को एलजेब्रा में, चाहे वो ग्रुप का टॉपिक हो, चाहे वो रिंग का टॉपिक हो, आप एक बार टॉपिक को, उसके थ्योरम्स को, एक बार आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की थ्योरम को अच्छी तरह से स्टडी करें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपके और जगह की थ्योरम्स, और जगह की डेफिनेशंस, और जगह की ऑब्जेक्ट काफी सिमिलर हैं जो पहले आपने पढ़े हैं। और स्टडी ईजी होती चलती है। आप में से कई लोग ये बात उठाते हैं कि सर आपने ग्रुप पढ़ाया, रिंग पढ़ाया, फील्ड पढ़ाया, वेक्टर स्पेस पढ़ाया, पता नहीं अब क्या क्या पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा मटेरियल पढ़ा रहे हैं, क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है? नहीं, ये इजी होते जा रहा है और हम नए नए स्ट्रक्चर तैयार करते चल रहे हैं इसमें। तो यहां पर इस क्लास को खत्म करने के पहले एक प्रॉब्लम है आपके लिए। ये प्रॉब्लम ये है, कंसीडर दी वेक्टर स्पेस एम टू आर ऑफ 2×2 रियल मैट्रिसेस एज वी हैव सीन। शो दैट ये भी आपने कंसिडर किया था। शो दैट यू, ध्यान से देखिए, यू ए बी सी जीरो, वेर ए बी सी इज रियल नंबर, इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। ये चीज है आपको, और ये चीज है आपको, ये इस बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पहली बात तो ये 2×2 की मैट्रिसेस है, इसमें चौथी वाली एंट्री हमेशा जीरो है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इसका सबसेट है। इसके किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करोगे तो ऐसे ही मिलेंगे, इसका मतलब क्लोजर है। अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां जीरो ही आएगा, इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन है, वही वाला। और बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि ये सब स्पेस हो गया। किसी भी दिक्कत के लिए, कुछ भी क्वेश्चंस के लिए आपको संपर्क करना है इस ईमेल एड्रेस पर। sanjpant@gmail.com